श्रीमती मंजीत कौर मेमोरियल अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब टैलेंट हंट टीम ने अपने नाम किया। नोएडा सेक्टर 122 में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में गाजियाबाद के टैलेंट हंट टीम ने मिलेनियम क्रिकेट एकेडमी को 108 रनों से करारी मात दी। टैलेंट हंट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवर में 197 रन बनाए। टीम की तरफ से कपिल सिसोदिया ने 57 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मिलेनियम एकेडमी की टीम 23.1 ओवर में 89 रन पर ही ढेर हो गई। टैलेंट हंट टीम की तरफ से गेंदबाज प्रियांशु शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 3 ओवर मेडन फेंके और महज 7 रन देकर 7 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। प्रियांशु की गेंदबाजी की बदौलत कोच मुकेश शर्मा की टीम ने शानदार जीत हासिल कर टूर्नामेंट को जीतने में सफलता पाई। 8 टीमों वाली इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले टैलेंट हंट के प्रियांशु शर्मा को टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया। वहीं टैलेंट हंट टीम के कोच मुकेश शर्मा को बेस्ट कोच के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम के टैलेंट हंट एकेडमी चलाने वाले मुकेश शर्मा की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक तरफा प्रदर्शन कर सबको अपना मुरीद बना दिया। ऐसे में उम्मीद है कि ये युवा खिलाड़ी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे और क्या पता इनमें से कोई युवा खिलाड़ी जल्द भारतीय टीम से भी खेलता हुआ नजर आए।